अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज का लेक्चर है गर्डो ब्रिजेस के बारे में। परवन ब्रिजेस की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से एक गर्डो ब्रिजेस है, तो इंशाल्लाह आज इसकी स्टडी करेंगे और आप इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रिजेस जो गर्डो ब्रिजेस हैं वो भी आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे और दिलचस्पी के साथ इसको पढ़ा करें और सारे के सारा वॉच करके इसको स्टडी करके और समझ के इसको आगे आपने पेपर भी देने हैं और इसलिए भरपूर तैयारी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी आप देखें कैसे इसको शुरू करते हैं। अजीज तलबा, आज का लेक्चर है गर्डर ब्रिजेस के बारे में। आप जानते हैं ब्रिजेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, परमानेंट ब्रिजेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, इनमें से एक गर्डर ब्रिजेस है। आपको दिखाते हैं मेन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस एज पर देयर स्ट्रक्चर डिजाइन। ये देखिए गर्डर ब्रिजेस, ट्रस ब्रिजेस, आर्च ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस, केबल स्टेड ब्रिजेस और कैंटिलीवर ब्रिजेस। इनमें से आज हम गर्डर ब्रिजेस को स्टडी करेंगे। गर्डर ब्रिजेस की डेफिनेशन, गर्डर ब्रिज इज अ ब्रिज बिल्ट ऑफ गर्डर्स प्लेस्ड ऑन अबटमेंट्स एंड पियर्स। यानी गर्डर से बनाई गई, जो पियर्स और अबटमेंट के ऊपर गर्डर रख दिए जाए, इससे बनाई गई ब्रिज को गर्डर ब्रिज कहते हैं। कंक्रीट की और स्टील की भी हो सकती हैं और डिफरेंट मटेरियल की या कंपोजिट मटेरियल की हो सकते हैं। अब हम इनकी खास बातें पढ़ते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्डर ब्रिजेस। बहुत ज्यादा तमीरात हो रही हैं पूरी दुनिया में और छोटे स्पैन के लिए और दरमियान स्पैन के लिए ये ब्रिजेस बनाई जाती हैं, बहुत बड़े स्पैन के लिए ये किस्म इस्तेमाल नहीं की जाती। इकोनॉमिकल है, लंबा अरसा रहती है, बेहतरीन हल है। ये देखिए गर्डर ब्रिजेस की एक ये डायग्राम, इसमें गर्डर्स यहाँ पे गर्डर डाले गए हैं पियर्स और अबटमेंट्स के ऊपर। ये गर्डर्स आपको इस स्केच में नजर आ रहे हैं, ये बीर ट्रांसम के ऊपर और इधर ये अबटमेंट के ऊपर डाले जा रहे हैं। फर्दर टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ गर्डर ब्रिजेस, यानी गर्डर ब्रिजेस की मजीद किस्में, पैरापेट गर्डर ब्रिज, रोल्ड स्टील गर्डर ब्रिज, प्लेट गर्डर ब्रिज, आरसीसी टी बीम ब्रिज, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर ब्रिज और बॉक्स गर्डर ब्रिज। अब हम एक एक की डिटेल्स अलग अलग था। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरापेट गर्डर ब्रिज, ये ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जिसके दोनों तरफ जो गर्डर्स हैं उनके बड़े गर्डर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनके नीचे वाले हिस्से पे डेक डाली गई है और ये गर्डर्स के वेब, इसका और इसका वेब एक्ट कर रहा है एज अ पैरापेट, इसी वजह से इसको पैरापेट गर्डर ब्रिज कहते हैं। स्टील के, आरसीसी के बनाए जा सकते हैं, रेल और रोड के लिए दोनों के लिए बनाए जा सकते हैं। इसका एक और स्केच देखिए, ये जरा बड़ा व्यू, कैसे गाड़ी डेक के ऊपर चल रही है और ये वाला वेब गर्डर का और इस तरह ये वेब एज ए पैरापेट नजर आ रहा है। ये एक्चुअल ब्रिजेस जो पैरापेट ब्रिज दुनिया में मौजूद हैं बाद जगहों पर, उनमें से एक ये प्लेट गर्डर ब्रिज भी है और पैरापेट ब्रिज भी है। रोल स्टील गर्डर ब्रिज, एक्चुअली जो रोल स्टील बीम्स या गर्डर्स कहते हैं, ये फैक्ट्री से स्टील रोलिंग मिल से बनकर आते हैं, आमतौर पे 10 मीटर स्पैन के जितना ट्रेला उठा सकता बन जाते हैं और 1 मीटर डेप्थ के भी अवेलेबल है। तो ब्रिज भी इनका इसी एतबार से स्पैन उसका 10 मीटर ही होगा। तो आई बीम जो रोड स्टील मिल से बनते हैं उनसे ये बनाए गए। प्लेट गर्डर ब्रिज, ये भी बीम या गर्डर्स हैं जो कि मुख्तलिफ प्लेटों को जोड़ के
ये फ्लैंजेस वाली प्लेटें भी और वेब वाली प्लेटें, इनको वेल्डिंग से रिवेटिंग से आपस में जोड़ते हैं। तो इस तरह जो ब्रिज तैयार होगा 10 मीटर से 25 मीटर तक तैयार हो सकता है, और ये ज्यादा मजबूत है, ज्यादा महंगा है। और ब्रिज के ये जो इसका वेब है गर्डर्स का, इसके साथ स्टिफनर भी यूज करते हैं जो इसको स्टिफ करते हैं, मजबूत करते हैं, और जिसे ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देते। ये देखिए स्टिफनर्स नजर आ रहे हैं प्लेट गर्डर ब्रिज में। ये भी रेलवे ब्रिज का एक और व्यू। ये प्लेट गर्डर ब्रिज एक और किस्म का ब्रिज, दिस इज आल्सो प्लेट गर्डर ब्रिज। जरा क्लोज व्यू प्लेट गर्डर ब्रिज का, ऊपर स्लीपर डाले गए हैं रेल के लिए, और ये स्टिफनर्स, और ये सारा प्लेट्स का, प्लेट्स को जोड़ के ये गर्डर ब्रिज बनाया गया। ये ब्रिज ये भी प्लेट गर्डर से बनाया जा रहा है। इसका एक व्यू हम पहले भी दिखा चुके हैं उसमें पैरापेट ब्रिज के तौर पे, और यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है जहां जो दिखाया जा रहा है एज ए प्लेट गर्डर ब्रिज के, क्योंकि प्लेटों को जोड़ के और स्टिफनर भी लगाए गए। इधर और क्लोज व्यू स्टिफनर्स और प्लेट नजर आ रही है, आपस में रिवेटिंग से जोड़ी गई है। रेलवे की भी कुछ चीजें नजर आ रही है। आरसीसी टी बीम गर्डर ब्रिज, टी बीम आरसीसी की टी बीम बनाई जाती है, तो इसका स्पैन ज्यादा 20 मीटर तक। ये अक्सर ब्रिज हमारे मुल्क में है, आजकल तो प्रीस्ट्रेस के बनाए जा रहे हैं आरसीसी टी बीम, क्योंकि डिजाइन के अतबार से ये वेब और ऊपर वाला फ्लैंज ये मोनोलिथिक बनाते हैं, इसी वजह से इसको हम टी बीम कहते हैं। डिजाइन का ये एक तरीका है टी बीम बनाने का। ये टी बीम ब्रिज। नेक्स्ट प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर ब्रिज। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर ब्रिज ये आई शेप के ही होते हैं, प्री टेंशनिंग से या पोस्ट टेंशनिंग से बनाए जाते हैं, लंबे स्पैन के लिए मुनासिब रहते हैं, 8 मीटर से 50 मीटर तक बनाए जा रहे हैं, और टेंडन्स हाई टेंसाइल स्टील के इसमें यूज किए जाते हैं, और कंक्रीट की भी हाई स्ट्रेंथ होती है, और स्पेशल कंक्रीट और स्पेशल स्टील टेंडेंस। ये प्रीस्ट्रेस गर्डर ये नजर आ रहे हैं। गर्डर नीचे बनाते हैं आमतौर पर जमीन पे, और फिर लॉन्चिंग करके यहां पे रख दिए जाते हैं। ये देखिए बेरिंग पैड, और ये लॉन्चिंग करके इसको रखा गया। ये एक और ब्रिज ट्रांसम के ऊपर, ये सारे के सारे गर्डर ये हमारी आंखों के सामने पिंडी में काक पुल पे बन रहा था, तो हम देखते रहे इसको, स्टूडेंट्स जाते रहे विजिट करते रहे। तो ये भी गर्डर ब्रिज प्रीस्ट्रेस का। ये एक और क्लोज व्यू गर्डर ब्रिज। काकपुल ये ट्विन ब्रिज हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, ये दोनों भी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर्स के बनाए गए हैं। इधर और क्लोज व्यू ये ट्विन ब्रिजेस जो काकपुल पे हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए, दोनों के लिए बोथ वेज ट्रैफिक के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। ये ब्रिज कलर कहार मोटरवे कलर कहार M2 पे ये ब्रिज है, और कहते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, बहुत हाइट है। यहाँ कई दफा गुजरना हुआ ऊपर खड़े होकर देखें तो बहुत गहरी वादी नजर आती है, कई दफा यहाँ पे जंगली जानवर भी, जंगली हयात भी नजर आते हैं। ये झेलम चिड़ी रोड पे जो नया ब्रिज बना, ये झेलम का इसके साथ पैरेलल उस तरफ भी है एक ब्रिज, जिसके वो रेलवे के लिए, और ये चीटी रोड पे दरिया झेलम के ऊपर, झेलम सिटी में चीटी रोड पे ये ब्रिज बनाया गया। मीरपुर आजाद कश्मीर बॉर्डर ऑफ पंजाब नियर मंगला डैम, ये ब्रिज आप वहां देख सकते हैं, इस पे गुजर के आप कश्मीर की तरफ जाते हैं। किंग फहद काजवे ये सऊदी अरेबिया में है, 68 से 86 में बनाया गया, और ये 4 लेन है, 28 किलोमीटर लेंथ है, और सारा का सारा पानी में है, पानी इसमें से, और 23 मीटर विड्थ है, 4 लेन हैं, 3 सेगमेंट यानी 3 हिस्से हैं, ये हिस्सों की तरतीब बताई गई, एक सिरे से शुरू सऊदी से शुरू होकर एक जजीरे तक, फिर उस जजीरे से एक और जजीरे तक, फिर वहां से बहरीन तक। कहते हैं बहरीन भी एक जजीरा है दुनिया में, जजीरा है। तो ये बहुत बड़ा ब्रिज है जो सारे का सारा पानी में जा रहा है। इसके कुछ व्यूज देखें, ये समुद्र में एरियल व्यू
ये सऊदिया और ये बहरीन, और ये देखें यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं। वीज़ा था, मैं खुद मैंने यहाँ पे ट्रैवलिंग की, यहाँ तक हम गए थे। ये सेंट्रल आइलैंड, सेटेलाइट व्यू, ये आइलैंड का। जब आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ तक वीज़ा नहीं होता, जो सऊदी वाला यहाँ तक पहुँच सकता है, इससे आगे फिर वीज़ा लेना पड़ता है। ये देखिए, ये दरमियान से कितना उठाया गया ब्रिज, इसको एक और व्यू देखें। जब हम यहाँ पहुंचे तो गाड़ी को रोक के जब ऊपर से देखा तो यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी तेज हवा थी, और बहुत ज्यादा ये हाइट है, ये वाली हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ऊंचा किया गया यहाँ पे शिप्स आसानी से गुजर जाए। एक और व्यू, ये भी किंग फहद काजवे नाम दिया गया है, एक्चुअली ये ब्रिज ही है, बॉक्स गर्डर ब्रिज मेड बाई गर्डर इन द शेप ऑफ हॉलो बॉक्स। हॉलो बॉक्स की शक्ल के बनाए जाते हैं, हॉलो इसलिए सस्ते ही पड़ते हैं, और भी कुछ वजूहत हैं जिसके लिए हॉलो बनाते हैं, कंक्रीट के, स्टील के या कंपोजिट मटेरियल के बनते हैं, आरसीसी के बनते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, ट्रापेज़ॉइडल के, और इसके अलावा पैराबोलिक, जैसे सऊदी में गल्फ ब्रिज बनाया गया, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, दुनिया वर्सटाइल ब्रिज बनते रहते हैं। तो ये जो बॉक्स गर्डर ब्रिज है, जहां पे रोड कर्व हो रही हो, यानी ब्रिज कर्व हो रहा हो, उसके लिए बेहतर है। अगर हम स्ट्रेट ये हम गर्डर डालेंगे तो अक्सर वो टॉर्शन इफेक्ट से ट्विस्ट होकर नीचे गिर जाते हैं, जैसे कराची में एक ब्रिज गिरा था। तो ये अगर बॉक्स गर्डर ब्रिज हो और कर्व पे बनाए जाए तो ये मजबूत रहते हैं, ये नहीं गिरते, ट्विस्टिंग इफेक्ट्स को बर्दाश्त करते हैं। ये देखिए, इसकी शेप कई सेल के हो सकते हैं, ट्रापेज़ॉइडल शेप के, 3 सेल का है, ये 4 सेल का, ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। ये दुनिया में एक यूएसए का एक ब्रिज है, ये भी बॉक्स गर्डर ब्रिज, सिंगल बॉक्स है, ये भी एक सिंगल बॉक्स गर्डर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया का। ये गल्फ का एक ब्रिज है जो ये पैराबोलिक शेप का, इस रुख पे भी पैराबोलिक विड्थ वाइज और लेंथ वाइज में तकरीबन 3 साढ़े 3 किलोमीटर का है, और रियाद सिटी के अंदर से गुजर है, यहाँ से कई दफा गुजरना हुआ, जो दमाम से ट्रैफिक सऊदी अरब मक्का शरीफ जा रही है तो बगैर रुके उसे सिग्नल फ्री, ये एक किस्म की मोटरवे, ऊपर ऊपर से सीधा बंदा नीचे चला जाता है, और नीचे से ट्रैफिक पूरे रियाद सिटी की, ये नीचे रोड दिए गए, वहां से गुजरती रहती है। ये बॉक्स गर्डर ब्रिज की तमीर के दौरान लॉन्चिंग की जा रही है, कैसे ये बॉक्स नीचे बनाया गया और आप इसको उठा के यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। ये भी कास्ट इन सिचू ब्रिज बनाया जा रहा, तो ये बॉक्स के प्रोफाइल्स यानी उसके डक्ट्स, और डक्ट्स के अंदर केबल्स हैं जो टेंडन्स जिनके अंदर डाले गए हैं, और इनको पोस्ट टेंशन करेंगे। ये हमारे पाकिस्तान के ब्रिजेस, ये भी बॉक्स हैं, डबल बॉक्स है, पिशावर मेट्रो बस का ये डबल बॉक्स ब्रिज, और ये लाहौर का ये भी बॉक्स गर्डर ब्रिज, और इसी तरह ये एक कनाडा का है डबल बॉक्स, और ये रावलपिंडी मेट्रो बस का ये डबल बॉक्स गर्डर ब्रिज है। तो अजीज तलबा, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह जो बाकी टाइप्स हैं वो सारी की सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।